हे एवरीबॉडी, वेलकम यू टू ऑल दिस चैनल। सो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सारे साइंटिस्ट नेम, जो कि चैप्टर 5 है क्लास 12th का। तो हमें जो नीट 2021 है या कोई भी नीट का एग्ज़ाम हम देंगे, उसके लिए जो साइंटिस्ट नेम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सारे इन साइंटिस्ट नेम इसके अंदर कवर करेंगे, और आप लोग इन सबको नोट कर लेना अच्छे से और इनको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। So, let's start. तो सबसे फर्स्ट है हमारा ग्रिगर जॉन मैंडल, इन्होंने जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। सेकेंड है हमारा टी एच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे, और इन्होंने लिंकेज टर्म को दिया था, कॉइंड द टर्म लिंकेज। थर्ड है हमारा एल्फर्स चर्वेंट, इन्होंने 1911 में प्रिपेयर्ड फर्स्ट क्रोमोसोम मैप। फोर्थ है हमारा ह्यूगो डी वेरिस, कॉरेंस एंड टेशमार्क, इन्होंने 1900 में रीडिस्कवर करा था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1900 में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा सटन एंड बॉबरी, इन्होंने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। सिक्स्थ है हमारा टी एच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी एंड इनहेरिटेंस दिया था। सेवन्थ है हमारा लैंगडन डाउन, इन्होंने 1866 में रिपोर्टेड डिजीज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21। इन्होंने जो क्रोमोसोम से जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 पे, इन्होंने वो रिपोर्ट करा था, इन्होंने वो देखा था। एट्थ है हमारा डब्ल्यू जॉनसन, 1909 में इन्होंने कॉइंड द टर्म जीन। तो ये थे हमारे सारे के सारे 8 साइंटिस्ट नेम। तो उम्मीद है आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा याद करने में, आप इनको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। तो यार, हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे सेफ रहिए, और हेल्दी रहिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।